हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेरियार ईवी रामास्वामी के बारे में। पेरियार ईवी रामास्वामी कौन थे, पॉलिटिक्स के अंदर इनका क्या योगदान है, समाज सुधार के अंदर इनका क्या योगदान है, बिकॉज मेनली ये सोशल रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ दलित मूवमेंट के अंदर भी इनका बहुत बड़ा जो योगदान रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और मेनली इनके जो पॉलिटिकल थॉट है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनका एक जीवन परिचय देख लेते हैं। तो पेरियार ईवी रामास्वामी का जो जन्म है 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड में एक परंपरावादी हिंदू परिवार में हुआ। तो बेसिकली जन्म के टाइम ये क्या थे, जन्म क्या, ये काफ़ी मतलब अपने युवावस्था तक हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और एक कट्टर हिंदू थे ये, ठीक है। यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक, फिलोसोफर, राजनीतिज्ञ, तमिल प्रेमी और समाज सुधारक थे। इन्होंने दलितों और नारी अधिकारों की लड़ाई लड़ी, इसलिए लोग इन्हें पेरियार के नाम से संबोधित करते हैं। तो लास्ट ईयर नेट के पेपर में आया था, पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई, बिकॉज वो संस्कृत की एक बहुत बड़ी विद्वान थी, इसलिए पंडिता की उपाधि उन्हें दी गई। इसी तरह पेरियार की उपाधि इन्हें इसलिए मिली बिकॉज ये दलितों और नारी अधिकारों के लिए काम करते थे, ठीक है। इन्होंने गैर स्वर्ण तथा दलितों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्मान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और द्रविड़ आंदोलन का प्रारंभ किया था। इन्होंने गैर स्वर्ण जातियों के अधिकारों तथा ब्राह्मणों के अत्याचारों के विरुद्ध जस्टिस पार्टी का गठन किया। अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने किसके थ्रू चलाया, वो जस्टिस पार्टी के थ्रू चलाया। अब जस्टिस पार्टी का इन्होंने निर्माण किया, लेकिन जस्टिस पार्टी के निर्माण में और भी कई अन्य विद्वान उसके साथ थे जुड़े हुए उसके निर्माण से, लेकिन मेजर उनमें से पेरियार ईवी रामास्वामी थे, ठीक है। यही जस्टिस पार्टी है जिसका नाम बाद में डीएमके रखा गया, डीएमके जो बाद में एआईडीएमके में ये दो भागों में डिवाइड हुई, तो ये जस्टिस पार्टी से ही पूरा का पूरा निकला है, ठीक है। उन्होंने आजीवन रूढ़िवादी हिंदुत्व, अब आजीवन इन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ी रूढ़िवादी हिंदुत्व, जिसको इन्होंने ब्राह्मणवाद का नाम दिया, तथा हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का घोर विरोध इन्होंने किया। तो जो नॉर्थ साउथ एक डायलॉग चलता है हिंदी को लेके, कि नॉर्थ वाले बोलते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, साउथ वाले बोलते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम हिंदी भाषी नहीं हैं, हम तमिल हैं, कन्नड़ बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। तो वो हिंदी के बिल्कुल घोर विरोधी थे। तो उसी मूवमेंट का प्रतिनिधित्व किया था पेरियार ईवी रामास्वामी ने, ठीक है। ओके, उन्होंने ब्राह्मणवाद पर करारा प्रहार किया और द्रविड़ों के अधिकारों और सम्मान के लिए एक पृथक राष्ट्र द्रविड़ नाडु की मांग की। तो पृथक राष्ट्र यहाँ पे आप समझ रहे हो, पृथक राष्ट्र का मतलब है ये सक्सेशनिज्म, पृथकतावादी आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व किया है, ओके। इन्होंने आजीवन जाति प्रथा का घोर विरोध किया। उनके कार्यों तथा संघर्ष से ही तमिल समाज में बहुत परिवर्तन आया और जातिगत भेदभाव भी बहुत हद तक कम हुआ। यूनेस्को ने उन्हें नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन के पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाज का दुश्मन कहा। अब ये इन्हें जो टाइटल मिला है ये यूनेस्को की ओर से मिला है, और यहाँ पे आप ये द्रविड़ देख पा रहे हैं, द्रविड़ के अधिकार। तो द्रविड़ दलितों को ही कहा जाता है, जो नॉन ब्राह्मण है, नॉन ब्राह्मण को द्रविड़ कहा जाता है, ये बात भी आपने याद रखना है। जो इन्हें टाइटल मिले हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन के पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाज का दुश्मन, ये सारे टाइटल यूनेस्को से इन्हें मिले हैं। पेरियार का सामाजिक जीवन और वैचारिक पृष्ठभूमि देखते हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी और इनका सामाजिक जीवन कैसा था। पेरियार ने
1885 में ईरोड में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश किया, पर कुछ सालों की औपचारिक शिक्षा के बाद वे अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ गए। 1898 में 19 वर्ष की आयु में नागाम्य नामक 13 वर्षीय कन्या से इनका विवाह किया गया, जिसका 1933 में देहांत हो गया। इसके बाद 1948 में इन्होंने अपने से करीब 40 साल छोटी लड़की से दूसरा विवाह किया। बचपन से ही वे रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों और धार्मिक उपदेशों में कही गई बातों का की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। उन्होंने हिंदू महाकाव्यों और पुराणों में कही गई परस्पर विरोधी बातों को बेतुका कहा और उसका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने सामाजिक कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, देवदासी प्रथा, अब देवदासी प्रथा क्या होती थी, देवदासी प्रथा अभी भी साउथ में है, जिसमें दलितों की कन्याओं को पुजारियों की सेवा के लिए दान किया जाता था। देवदासी प्रथा क्या है, जिसमें क्या किया जाता था, दलितों की जो कन्याएं होती थी उनको पुजारियों की सेवा के लिए मंदिरों में दान किया जाता था। विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने विरोध लिखा गया है, विरोध नहीं किया, विधवा पुनर्विवाह का जो विरोध किया जाता था उसका इन्होंने खंडन किया और स्त्रियों और दलितों के शोषण का खुलकर इन्होंने विरोध किया। उन्होंने जाति व्यवस्था का भी विरोध और बहिष्कार किया। शुरुआती दिनों में पेरियार एक आस्तिक थे, पहले ही आपको बता चुका हूँ, पहले ये कट्टर हिंदू थे और ये आस्तिक थे, भगवान में विश्वास रखने वाले थे, जिसके चलते सन 1904 में उन्होंने काशी के एक प्रसिद्ध शिव मंदिर की यात्रा की थी। वहाँ पर उनके साथ बहुत ही अमानवीय घटना घटी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। मंदिर में निशुल्क भोजन के लिए एक भोज का निर्माण किया गया था, भोज मिस एक भंडारा वहाँ पे दिया जाता था निशुल्क, जिसमें कोई भी पैसे नहीं लिए जाते थे। पेरियार को बहुत भूख लगी थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि वहाँ गैर ब्राह्मण को प्रवेश वर्जित था, कि यहाँ पे गैर ब्राह्मण जा ही नहीं सकते थे। उन्हें बहुत भूख लगी थी, जिस कारण उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर भोजन प्राप्त करने की कोशिश की। द्वार पर खड़े पहरेदार ने जब उनकी मूछें देखी तो उसने कहा, ब्राह्मण तो मूछ नहीं रखते, तुम नीच हो, कहकर उन्हें बुरा भला कहकर धक्का मारकर वहां से अपमानित करके भगा दिया गया, जिसके कारण वे रूढ़िवादी हिंदुत्व के घोर विरोधी हो गए थे। इसके बाद इन्होंने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया और आजीवन नास्तिक बने रहे, और 24 दिसंबर 1973 को इस महान समाज सुधारक का तमिलनाडु के वेल्लोर में निधन हो गया। पेरियार के राजनीतिक विचार देख लेते हैं। पेरियार के राजनीतिक विचार मुख्यतः समाज सुधार को समक्ष रखकर ही विकसित होते गए थे। उनके राजनीतिक विचारों को उनके कार्यों तथा जीवन के घटनाचक्र द्वारा समझा जा सकता है। 29 मार्च 1931 को तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडिया रासु के संपादकीय पन्ने में पेरियार ने भगत सिंह और गांधी की तुलना करते हुए भगत सिंह के विचारों के साथ अपनी सहमति जताई थी। तो यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडिया रासु। अब पूछ सकते हैं कुडिया रासु को मैच करना है, आगे पत्रिका दी होगी, तो इसमें लिखा था पेरियार ईवी रामास्वामी ने संपादकीय पन्ने में, जिसमें गांधी और भगत सिंह की तुलना की गई और भगत सिंह को इन्होंने श्रेष्ठ बताया। ठीक है, उन्होंने लिखा, जिस दिन गांधी ने कहा केवल ईश्वर ही उनका मार्गदर्शन करता है, दुनिया को चलाने में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था ही उचित है और हर काम भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है, उसी दिन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि गांधीवाद और ब्राह्मणवाद में कोई अंतर नहीं। अब ये इनकी जो कोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्रिटिक कर रहे हैं, क्रिटिक किस आधार पे कर रहे हैं कि गांधी आस्तिक थे और ये एक नास्तिक थे। गांधी हमेशा
हर चीज़ का श्रेय भगवान को देते थे, वर्ण व्यवस्था को देते थे, वो जाति व्यवस्था को भी कुछ हद तक बनाए रखना चाहते थे। इसलिए इनका इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। इन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद और गांधीवाद एक ही चीज़ है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि गांधी भी ब्राह्मणवाद को उचित ठहरा रहे हैं। ठीक है, हम इस नतीजे पर पहुंच गए, हम इस नतीजे पर भी पहुंचे कि अगर ऐसे दर्शन को मानने वाली कांग्रेस पार्टी का खात्मा नहीं होता तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये आपने देखना, क्योंकि कांग्रेस भी उस टाइम गांधी के विचारों पर ही चलती थी। पूरी की पूरी कांग्रेस क्या है, गांधी के विचारों पर चलती थी। इसलिए बोलते थे कि कांग्रेस का विचार भी गांधी की तरह ही ब्राह्मणवादी विचार है, इसलिए कांग्रेस को भी खत्म कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने वाल्मीकि की रामायण को ब्राह्मणों की रूढ़िवादी काल्पनिक दुष्ट बुद्धि का परिचय बताते हुए सच्ची रामायण नामक ग्रंथ रच डाला। पेरियार ईवी रामास्वामी ने लिखा है सच्ची रामायण, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सच्ची रामायण बुक लिखी है पेरियार ईवी रामास्वामी ने, जिसे ब्राह्मणों ने कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन पेरियार अपने तार्किक तथा वैज्ञानिक विचारों के कारण सफल रहे। ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चल पाया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पहल पर सन 1919 में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए थे तथा उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार भी हुए। तत्पश्चात 1922 में कांग्रेस के तिरुपुर सत्र में वे मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बन गए। पेरियार उस समय दलितों की स्थिति से भली भांति परिचित थे। दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की वकालत की। तो अंबेडकर की तरह इन्होंने भी आरक्षण की वकालत की थी, जिसे कांग्रेस के अन्य नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन पेरियार भी अपने मुद्दे पर अटल रहे। जब किसी भी तरीके से कांग्रेस ना मानी तो सन 1925 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस की कड़े शब्दों में निंदा की तथा उसे स्वर्णों का हितरक्षक की संज्ञा दी। इन्होंने कांग्रेस को स्वर्णों का हितरक्षक की संज्ञा दी। 1924 का वेकोम सत्याग्रह, तो सत्याग्रह इन्होंने जो चलाया था उसे कहा जाता है वेकोम सत्याग्रह 1924 में। पेरियार के समय में केरल के वेकोम में अस्पृश्यता के कड़े नियम थे, जिसके अनुसार किसी भी मंदिर के आसपास वाली सड़क पर दलित हरिजन की परछाई भी वर्जित थी, यानी परछाई भी उनकी वर्जित थी मंदिरों के आसपास। यदि कोई ऐसा करता तो उसे कठोर आर्थिक और शारीरिक दंड दिया जाता था। केरल के कुछ सामाजिक सुधारक कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर पेरियार ने वेकोम आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए किया गया था। इस आंदोलन में उनकी पत्नी और मित्रों ने भी उनका साथ दिया था। दूसरा इनका मूवमेंट है, यह है आत्मसम्मान मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। 1925 में ये चलाया था इन्होंने। पेरियार और उनके समर्थकों ने समाज से असमानता कम करने के लिए अधिकारियों और कांग्रेस पर सदैव दबाव डाला। आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था गैर ब्राह्मण यानी द्रविड़ों को उनके सुनहरे अतीत पर गौरव कराना। यानी जो द्रविड़ है उनका इतिहास बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही सभ्य जाति है। आप अपना इतिहास देख लो, आप अपना रिस्पेक्ट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप लड़ो, यही इसका मुख्य नारा था। सन 1925 के बाद पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन के प्रचार प्रसार पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। आंदोलन के प्रचार के एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुड़ी अरासू, ये वही है कुड़ी अरासू जो 1925 में प्रारंभ की गई थी, और अंग्रेजी जर्नल रिवोल्ट जो 1928 में प्रारंभ की गई थी का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया। इस आंदोलन का लक्ष्य महज सामाजिक सुधार नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन भी था, जिसके द्वारा प्रत्येक प्रकार के रूढ़िवाद तथा अंधविश्वासों का सफाया करके एक समतामूलक समाज की स्थापना की गई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के कारण पेरियार
यूरोप के लेफ्ट संगठनों के केंद्र बन गए तथा उन्हें अपने विचार रखने के लिए विभिन्न देशों द्वारा आमंत्रित किया गया। अब लेफ्ट जितने भी थे यूरोप के लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स प्रोग्रेसिव, ओके, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी आपकी यूएसएसआर की, वहाँ पे इनको बुलाया गया था। 1929 में उन्होंने यूरोप, रूस और मलेशिया समेत कई देशों की यात्रा की और इसी साल आत्मसम्मान तथा जातिवाद के विरोध के चलते इन्होंने अपना उपनाम नायकर का परित्याग किया। इनका जो उपनाम था वो था नायकर, तो नायकर का इन्होंने क्या है परित्याग कर दिया, क्योंकि नायकर सूचित करता है किसी दलित कम्युनिटी को, ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला कि आज के बाद नायकर शब्द का मैं उपयोग नहीं करूँगा, तथा समाज को जाति व्यवस्था समाप्त करने का इन्होंने संदेश दिया। तीसरा इनका मूवमेंट है, ये है हिंदी भाषा के विरोध को लेकर। हिंदी भाषा का इनका विरोध, सिर्फ हिंदी भाषा का विरोध नहीं है, ये स्पेशली हिंदी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, हिंदी भाषा को साउथ पर थोपने का ये विरोध करते हैं, क्योंकि साउथ वाले हिंदी से उतने फैमिलियर नहीं है जितने कि अपनी लोकल भाषाओं से फैमिलियर है। 1937 में जब सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने वहाँ के स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया, जिससे हिंदी विरोध आंदोलन उग्र हो गया। हिंदी विरोध आंदोलन में पेरियार ने जस्टिस पार्टी की मदद ली थी। जब जस्टिस पार्टी कमज़ोर पड़ गई, तब पेरियार ने इसका नेतृत्व संभाला और हिंदी विरोधी आंदोलन के जरिए इसे सशक्त किया। इसके तहत तमिल राष्ट्रवादी नेताओं, जस्टिस पार्टी और पेरियार ने हिंदी विरोधी आंदोलनों का आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप सन 1938 में कई लोग गिरफ्तार किए गए। उनका मानना था कि हिंदू लागू करने से आर्य सभ्यता का प्रचार होगा तथा सांस्कृतिक रूप से हिंदी द्वारा ब्राह्मण अपने पौराणिक ग्रंथों को पढ़ाना शुरू कर देंगे, जिसके कारण तमिल संस्कृति नष्ट हो जाएगी और तमिल समुदाय उत्तर भारतीयों के अधीन हो जाएगा। अब देखो जो इनकी यहाँ पे इनकी जो वकालत है हिंदी के विरोध की, किस कुछ हद तक बिल्कुल सही है। अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो मैक्सिमम जो आर्य है, आर्य बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में आर्य रहते हैं और इनकी मूल भाषा हिंदी है, संस्कृत है, तो जितने भी ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ जितने भी है, या तो संस्कृत में लिखे गए या हिंदी भाषा में लिखे गए, तो इनको डर था कि कहीं ये ग्रंथ अगर साउथ में पढ़ाए जाने लगे तो तमिल संस्कृति का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि हिंदी मुख्यतः उत्तर भारत के लोग ही बोलते थे। उसी साल पेरियार ने हिंदी के विरोध में तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा दिया। तमिलनाडु तमिलों के लिए नारा किसने दिया? पेरियार ईवी रामास्वामी ने, अर्थात तमिल भारत के निवासी है, जबकि आर्य जो विदेशी मूलता मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, तमिल भारत के निवासी है, एग्जैक्ट यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन आर्य आर्य हिंदू नहीं है, सॉरी हिंदुस्तानी नहीं है, वो कहाँ से आए हैं? वो आए हैं एशिया से, मध्य एशिया से। वह मूल निवासियों पर जबरदस्ती कोई दूसरी संस्कृति ना थोपे, पेरियार के समर्थन में दक्षिण भारतीय दलों के लगभग सभी नेताओं ने मिलकर हिंदी का विरोध किया था। जस्टिस पार्टी और डीएमके के साथ इनका जो संबंध है उसको देख लेते हैं। सन 1916 में एक राजनीतिक संस्था साउथ इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मण समुदाय के आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विरोध और गैर ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान। यह संस्था बाद में जस्टिस पार्टी बन गई। इस पार्टी का मुख्य लक्ष्य भी ब्राह्मणवाद को ख़त्म करके सत्ता को दबे कुचलों के हाथ तक पहुंचाना था। सन 1939 में पेरियार जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने, तो जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने सन 1939 में। सन 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया। सन 1944 में द्रविड़ कड़गम का प्रभाव शहरी लोगों और विद्यार्थियों पर था।
ग्रामीण क्षेत्र भी इसके संदेश से अछूते नहीं रहे। हिंदी विरोध और ब्राह्मण रीति रिवाज और कर्मकांड के विरोध पर सवार होकर द्रविड़ कड़गम ने तेजी से पांव जमाए। द्रविड़ कड़गम ने दलितों में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया और अपना ध्यान महिला मुक्ति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित किया। हालांकि 1949 में पेरियार और अन्नादुराई के मध्य मतभेदों के कारण द्रविड़ कड़गम में विभाजन हो गया। तो द्रविड़ कड़गम में विभाजन कब हुआ? सन 1949 में, तथा एक दूसरी पार्टी डीएमके अस्तित्व में आई। अब इसका आपने क्या है, क्रम में याद रख लेना है, बिल्कुल क्रम में भी इसको पूछ सकते हैं। सबसे पहले साउथ इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन बनी, उसके बाद आगे चल के ये जस्टिस पार्टी बनी, जस्टिस पार्टी आगे चलकर द्रविड़ कड़गम बनी, और सन 1949 में ये डीएमके में परिवर्तित हो गई। तो डीएमके की अध्यक्षता किसने की? अन्ना दुराई ने। अन्ना दुराई इसके हेड थे, फर्स्ट हेड डीएमके के, जो कि बाद में डीएमके में भी मतभेद हो गया और एआई डीएमके की स्थापना की गई। यह एक नास्तिक थे, पेरियार एक नास्तिक थे तथा सभी प्रकार के कर्मकांडों के खिलाफ थे। यह भारत को शोषण मुक्त तथा धर्मनिरपेक्ष बनाने के पक्ष में थे। महिला अधिकारों के संबंध में विचार, पेरियार मानवीय अधिकारों के पक्ष में थे। वे महिलाओं को समानता का अधिकार देकर उनकी शिक्षा तथा रोजगार में आत्मनिर्भरता के पक्ष में थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, ये इक्वालिटी, और दूसरा पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में थे, जो कि बाद में इंदिरा गांधी ने इम्प्लीमेंट भी किया है। ठीक है, जात पात के आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने शादी से संबंधित घटिया रिवाजों की कड़ी आलोचना की, जिसके द्वारा महिलाओं को शोषित किया जाता था। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा का भी पुरजोर विरोध किया। उन्होंने समाज में व्याप्त देवदासी प्रथा को अमानवीय ठहराया, क्योंकि पुजारी बालिकाओं का यौन शोषण करते थे तथा उन्हें कई प्रकार की यातनाएं देते थे। उन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए उचित कारणों के साथ तलाक को भी उचित माना। सामाजिक तथा रूढ़िवाद के खिलाफ विचार, वे कहा करते थे कि ब्राह्मण आपको भगवान के नाम पर मूर्ख बनाकर अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है और स्वयं आरामदायक जीवन जी रहा है तथा तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। वह देवता की प्रार्थना करने के लिए दलाली करता है। मैं इस दलाली की निंदा करता हूं और आपको भी सावधान करता हूं कि ऐसे ब्राह्मणों का विश्वास मत करो। ऐसे देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहें। उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु और बोधगम्य है। ब्राह्मण के पैरों में क्यों गिरना, अब ये इनकी कोटेशन है, फेमस कोटेशन, ब्राह्मणों के पैरों में क्यों गिरना, क्या ये मंदिर है, क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। अगर देवता ही हमें निम्न जाति बनाने का मूल कारण है तो हमें ऐसे देवता को नष्ट कर देना चाहिए। अगर धर्म है तो इसे मत मानो। अगर मनुस्मृति, गीता या अन्य कोई पुराण आदि है तो इसको जलाकर राख कर दो। अगर ये मंदिर, तालाब या त्योहार है तो इनका बहिष्कार कर दो। अंत में हमारी राजनीति ऐसा काम करती है तो इसका खुले रूप में पर्दाफाश करो। आर्यों ने हमारे ऊपर अपना धर्म थोप कर असंगत, निरर्थक और अविश्वसनीय बातों में हमें फंसाया है और हमें इन्हें छोड़कर ऐसा धर्म ग्रहण करना चाहिए जो मानवता की भलाई में सहायक सिद्ध हो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है।
उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, संसार के सभी धर्म अच्छे समाज की रचना के लिए बनाए जाते हैं, परंतु हिंदू आर्य वैदिक धर्म हम यह अंतर पाते हैं कि यह धर्म एकता और मैत्री के लिए नहीं, शोषण के लिए है। ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने हेतु अस्तित्व, गुण, कार्य, ज्ञान और शक्ति के बिना ही देवताओं की रचना करके और स्वयंभू देवता बनकर हंसी मजाक का विषय बना दिया है। सभी मानव एक है, हमें भेदभाव रहित समाज चाहिए। हम किसी को प्रचलित सामाजिक भेदभाव के कारण अलग नहीं कर सकते हैं। आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और हम ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या यह बुद्धिमानी है? ब्राह्मणों से मेरी यह विनती है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर नहीं रहना चाहते तो आप भले ही जहन्नुम में जाएं, कम से कम हमारी एकता के रास्ते में मुसीबतें खड़ी करने से तो दूर हो जाओ। ब्राह्मण सदैव ही उच्च एवं श्रेष्ठ बने रहने का दावा कैसे कर सकता है? समय बदल गया है, उन्हें नीचे आना ही होगा, तभी वे आदर से रह पाएंगे, नहीं तो एक दिन उन्हें बलपूर्वक और ठीक होना होगा। उनका कहना था कि नास्तिकता मनुष्य के लिए कोई सरल स्थिति नहीं है। कोई भी मूर्ख अपने आप को आस्तिक कह सकता है। ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। यह स्थिति उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिनके पास तर्क तथा बुद्धि की शक्ति हो। तो दोस्तों, ये थे पेरियार ईवी रामास्वामी के सोशल रिफॉर्म से जुड़े विचार। ब्राह्मणवाद का इन्होंने कितना कड़े शब्दों में विरोध किया है, इसको आप समझ पाए होंगे। तो ये सारे के सारे विचार उन्होंने उस परिस्थिति के अंदर दिए जिस परिस्थिति के अंदर जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था और वहाँ पर शोषण इतना ज़्यादा विद्यमान था कि लोग सड़कों पर भी नहीं उनकी परछाई पढ़ने देते थे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पेरियार ईवी रामास्वामी का। तो इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो तो मैंने पहले ही इंक्लूड कर लिए हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर। अब लास्ट जो मेरी पीडीएफ है वो दो चार दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसमें भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इनका आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।